बाबर आजम ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में शतक जड़ दिया, जिसके बाद अब बाबर आजम की ही चर्चा सोशल मीडिया से लेकर हर क्रिकेट फैन कर रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी तो अब ये भी कह रहे हैं कि किंग हमेशा किंग ही होता है। साथ ही साथ बाबर आजम ने विराट कोहली का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया, तो रोहित शर्मा के बराबर बाबर आजम पहुंच गए। तो चलिए इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं कि आखिरकार क्यों फैंस बाबर आजम को किंग बुला रहे हैं। एशिया कप में जिस बाबर का बल्ला शान था, उस बाबर ने अपनी सरजमी पर बवाल मचा दिया। बाबर ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में शतक जड़ दिया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर सिर्फ बाबर की बातें होने लगी। फ्लॉप चल रहे बाबर ने जैसे ही शतक लगाया, वैसे ही पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी शादाब खान ने एक ट्वीट किया, जिसकी अब खूब चर्चा हो रही है। ट्वीट पर शादाब ने लिखा कि याद रखें, किंग हमेशा किंग होता है और बाबर आजम किंग है। दुनिया बहुत जल्द भूल जाती है और मोहम्मद रिजवान भाई जैसा फाइटर मैंने नहीं देखा। हम हारेंगे भी जीतेंगे भी, ये क्रिकेट का हिस्सा है। ये है हमारा पाकिस्तान, हमारी टीम, पाकिस्तान जिंदाबाद। बाबर ने 66 गेंदों पर 110 रन बनाए, इस दौरान 11 चौके और 5 छक्के लगाए। बाबर ने अपने शतक से विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया, साथ ही साथ अब कप्तान के रूप में बाबर रोहित के बराबर पहुंच गए हैं। सही मायनों में कहा जाए तो एक शतक ने दो भारतीय सुरमाओं को एक झटके में ऐसा पीछे छोड़ा कि इतिहास सिर्फ बाबर का नाम याद रख रहा है। बाबर का ये टी20 करियर में दूसरा शतक है। बतौर कप्तान बाबर ने ये दूसरी सेंचुरी लगाई है। बाबर अब रोहित के बराबर पहुंच गए हैं। रोहित ने भी बतौर कप्तान दो शतक लगाए हैं। इस पारी के दम पर बाबर ने टी20 में अपने 8000 रन भी पूरे कर लिए हैं। बाबर ने 8000 रन टी20 क्रिकेट में पूरे करने के लिए 218 पारियां ली। विराट कोहली ने टी20 क्रिकेट में 8000 रन पूरे करने के लिए 243 पारियां ली थी। वहीं क्रिस गेल ने 213 पारियों में 8000 रन टी20 में पूरे किए। बाबर के ओवरऑल टी20 करियर को देखें तो 227 मैच में बाबर ने 8089 रन बनाए, औसत 44 के ऊपर का रहा, सर्वाधिक 122। इस दौरान 67 हाफ सेंचुरी और 7 शतक लगाए। खैर, बाबर आजम जिनकी एशिया कप में खराब फॉर्म को लेकर बड़ी बेइज्जती हुई थी, टीम भी हारी थी, रन भी नहीं आए थे, लेकिन सिर्फ एक शतक ने बाबर के लिए सोच सभी की बदल दी। बाबर ने शतक ठोक साबित कर दिया कि क्यों उन्हें मॉडर्न डे क्रिकेट में दूसरा विराट कोहली कहा जाता है। बाबर ने दूसरा टी20 तो जिता दिया, अब देखना होगा कि बाबर की ये फॉर्म कब तक जारी रहती है।